News 18, India. और उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस ही नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी में दूसरे पार्टी के नेता भी पीएम मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। महाविकास अघाड़ी के साथ को छोड़कर वो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। बड़े झटके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने पर ट्वीट लिखा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अशोक चव्हाण भी भाजपा वासी हो गए, विश्वास नहीं हो रहा। कल तक वो हमारे साथ थे, चर्चा कर रहे थे और आज चले गए। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह क्या अशोक चव्हाण भी हाथ के लिए क्लेम करेंगे और क्या इलेक्शन कमीशन उन्हें दे देगा? इस देश में कुछ भी हो सकता है।